ट्रोलर्स का नफरती गैंग अपने काम पर लग गया है। सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। नफरत और ट्रोल का आलम यह है कि कपल्स को अपने सोशल मीडिया पेज का कमेंट सेक्शन ही बंद करना पड़ा। ट्रोलर्स दोनों को बिन मांगी सलाह दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश में मोहब्बत करना गुनाह है, और अगर दो कामयाब युवा प्यार के बाद एक दूसरे से शादी करते हैं तो नफरती गैंग क्यों सक्रिय हो जाता है? क्यों किसी की निजी जिंदगी में हर बार दखल की कोशिश होती है? और जब मियां बीवी राजी हैं तो ट्रोलर्स और नफरती गैंग क्यों काजी बन रहे हैं? और दो लोगों के प्यार में हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहां से आ जाता है? दो एक्ट्रेस, यानी अगर मैं सोनाक्षी सिन्हा की बात करूं और जहीर की बात करूं, तो दो लोग शादी करते हैं लेकिन एक विवाद खड़ा हो जाता है। अलग अलग तरीके से लोग उनकी शादी को जज करने लगते हैं। आज मेरे साथ मेहमानों का, महिला पैनलिस्ट का एक पैनल मौजूद है। हम चर्चा करेंगे। साध्वी जया भारती धर्माचार्य हैं जो मेरे साथ जुड़ेंगी। साध्वी विभानंद गिरी पीठाधीश्वर है प्रज्ञानंद आश्रम की, वो मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। जकिया खान सामाजिक कार्यकर्ता है, वो मेरे साथ मौजूद है। मानवी तनेजा मॉडल है, वो मेरे साथ मौजूद है। मीनल पाठक मॉडल भी है और हेल्थ एक्सपर्ट भी है, वो भी मेरे साथ मौजूद है। मिया लाकरा मॉडल है, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगी। तो मैं शुरुआत जो करूंगी वो मैं पहले साध्वी जया भारती के साथ करूंगी। साध्वी जया, सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर खान से शादी करी, दिक्कत कहां है? मेरे को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है जिस तरीके से आपने इस पूरे कार्यक्रम की भूमिका बांधी और आपने कहा कि ट्रोल्स हैं, साथ ही साथ धर्म समाज के ठेकेदार हैं, इनको क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं है, ये लोग मतलब कुछ लोगों के रिएक्शंस हैं। और जैसे ही सबको आजादी है, आपने कहा कि इट्स अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो जिससे शादी करना चाहता है वो शादी करेगा, दैट इज फाइन। और एक चीज हम यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि ये फिल्म स्टार्स हैं, ये लोग आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि एक बहुत ही यू नो इट्स अ वेरी रिसेंट फिनोमेना, लेकिन बॉलीवुड एक बहुत लंबे टाइम से इन्फ्लुएंसर रहा है। आप इन्हीं लोगों को खड़ा करते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग के लिए आप इन्हीं लोगों को खड़ा करते हैं। तो ये लोग जब लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपनी अपनी इमेज यूज कर सकते हैं, और जब ये लोग कुछ अपना जीवन में भी करेंगे तो लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आएगी, ऐसा कहना गलत है। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और बाकी कामों पर भी आप लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए तैयार रहें, एक बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि आपत्ति इससे नहीं है, जो जिससे शादी करना चाहे करे, लेकिन एक पैटर्न बहुत लंबे समय से देखा गया है भारत के देश के अंदर, वो ये है कि मुस्लिम हिंदू लड़कियां होती हैं, मुस्लिम लड़के होते हैं, आप ही के चैनलों से हम लोगों को इस तरीके की न्यूज मिलती है कि अब वो लड़की है, शादी हुई है, नाबालिग बच्चियां भी, परसों की ही न्यूज है हल्द्वानी में, दो नाबालिग मुस्लिम लड़कों ने उनको भगाने की इलोपमेंट की कोशिश थी, वो बर्स्ट हुआ है। और यहाँ तक कि जब उसमें तफ्तीश पूरी हुई तो उसमें ये भी पता लगा कि उसके लड़के के जो मामा जी थे उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था और उससे पूरा एक ट्रैफिकिंग रैकेट बर्स्ट हुआ है। प्लीज लेट मी कम्प्लीट सिंस यू आस्क्ड मी, होल्ड ऑन योर रिएक्शन। वन अनदर थिंग, हम लोग देख रहे हैं कि बॉलीवुड में भी लव जिहाद, हम कहते हैं कि ठीक है इसकी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है लव जिहाद की, लेकिन हमेशा हिंदू लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़के हैं, दो एक शादी करते हैं, चाहे वो सैफ अली खान है, चाहे वो आमिर खान है, एक शादी करेंगे, उनसे बच्चे पैदा करेंगे, उनके बच्चे हमेशा मुस्लिम होंगे, उसके बाद वो दूसरे लड़की को छोड़ देंगे, फिर वो दूसरी हिंदू लड़की से शादी करेंगे। कुल मिलाकर आपने अपनी बात कह दी है, और आप कितना भी मीठे शब्दों का सहारा लें, लेकिन साध्वी जया आपने ये बता दिया कि प्यार करने का अधिकार नहीं, अगर आप बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और लोग आपको जज करेंगे तो इसे आप काम नहीं कर सकते। आप ना, ये कुल मिलाकर मैंने जो बात कही वो मैं ही कहूंगी, वो आप नहीं कहेंगे, आप नहीं बोलेंगे मैंने कुल मिलाकर क्या कहा। अरे मैंने आपको थोड़ी ना बोलने दिया जाएगा मैडम, ऐसे नहीं, मैंने अपनी बात साध्वी जया को आपने सुन लिया। विभानंद जी, क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस को प्यार करने का अधिकार नहीं है? जिस बात की इजाजत हमें हमारा संविधान देता है, हमारा कानून देता है कि हम दो व्यस्क लोग अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, शादी करने का अधिकार हमारा अपना निजी अधिकार है, तो क्या इस पर भी अब जज किया जाएगा? क्या इस पर भी आंका जाएगा? पहले तो मुझे ये बताइए कि उन्होंने शादी की है कि निकाह किया है,
कुछ भी किया हो, नहीं कुछ भी नहीं, क्यों कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। सनातन धर्म में शादी की जाती है, मुस्लिम धर्म में निकाह होता है। तो पहले तो आप कोर्ट मैरिज की शादी की, कोर्ट मैरिज की है साइन करके, साइन करके, लेकिन उसके बाद निकाह भी पढ़ा गया है, तो सनातन से फेरे भी और सनातन बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म के अनुसार जिस तरह से उनके माता पिता हिंदू है तो उसको प्रेम करने का अधिकार है, लेकिन जिस जगह पर वो बच्ची खड़ी हुई है, जो हीरोइन है, अभी बोल रही थी साध्वी जी कि प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, वास्तव में इनको देख करके हिंदू लड़कियां फिर देखेंगी कि हमें मुसलमान लड़कों से शादी करना चाहिए, ये एकदम गलत है। यहाँ पर दो मॉडल बैठी हुई है। पहली बात तो हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों का संबंध होता है और निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपका बेवकूफ समझा हुआ है, निकाह निकाह 7 जन्मों का संबंध होता है, निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने देश की लड़कियों को इतना मूर्ख समझा हुआ है कि दूसरे की शादी देख के हम शादी करेंगे क्या, हिंदू लड़कियां नहीं या मुस्लिम लड़कियां इसलिए करेंगी कि मुस्लिम शादी में और निकाह में अंतर होता है, पहले इसको समझिए। आप समझिए, प्रेम जो है वो दूसरों की शादी नहीं किया और जाता निकाह है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक चलेगा चलेगा, दूसरे के धर्म का अपमान करना इसकी आप लोगों को एक सबक मिल जाएगी और माता पिता से दूसरे के धर्म की, क्योंकि आप साध्वी है इसलिए आपको इजाजत मिल जाती है दूसरे के धर्म की अपमान करने की। आपका विवाह विवाह है, उनका विवाह कॉन्ट्रैक्ट है, ये गलत बात है। लॉ में मुस्लिम लॉ में केवल कॉन्ट्रैक्ट ही है, मेहर दिया जाता है, जिसकी जितनी औकात होती है दी जाती है लड़कियों को अपने मर्जी से शादी। लेकिन आप क्या कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मुसलमानों में लड़कियों से इजाजत ली जाती है, उनकी पसंद का इम्पोर्टेंस रखा जाता है, जबकि आपके सनातन में लड़कियों से पूछा तक नहीं जाता। हमारे यहाँ तो सतयुग से सोमवार है, लड़की को अपनी अच्छा देखिए यहाँ पर सोमवार का है, सारे मेहमान रुक जाइए, यहाँ पर बहस ये नहीं है कि मेरा धर्म अच्छा कि तेरा धर्म अच्छा, मेरे धर्म की लड़कियों की अच्छी शादी कि तेरे धर्म की लड़कियों की अच्छी शादी, यहाँ पे ये बहस नहीं है।